सुनो भाई सुनो महात्मा कालव ऋषि की तपोभूमि, संगीत सम्राट तानसेन जी की जन्मस्थली, इस पुण्य पावन ग्वालियर नगरी की महामहिम परम आदरणीय जनता जनार्दन, धरती का सीना चीर कर उसमें से अन्न पैदा करके संपूर्ण जगत का पालन पोषण करने वाले हमारे सम्माननीय किसान बंधु, लोकतंत्र का महत्वपूर्ण आधार स्तंभ मीडिया वर्ग की ओर से उपस्थित हमारे मीडिया के साथी और इस संपूर्ण प्रांतीय इकाई के आह्वान पर इस पटवारियों के महासमर में, महायज्ञ में अपने कठिनतम प्रयासों की पुण्य आहुति समर्पित करने वाले हमारा एक एक क्रांतिवीर पटवारी साथियों को सादर नमस्कार। हड़ताल हमारा शौक नहीं, मजबूरी है, पर अब हड़ताल जरूरी है। तो ये हमारी हड़ताल क्यों जरूरी है, हम ये पटवारी लोग इस संघर्ष के लिए, इस आंदोलन के लिए क्यों विवश हुए हैं, अपने इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अपनी कथा व्यथा को, अपनी परेशानियों को उचित माध्यम से प्रस्तुत करने की सिर्फ एक छोटी सी कोशिश है, इस उम्मीद के साथ कि ये हमारी आवाज सही कानों तक, सही व्यक्ति तक पहुंचे। तो लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है हम पटवारियों का ये नुक्कड़ नाटक। भाई राहुल, ये मध्य प्रदेश के पटवारी हड़ताल पर क्यों बैठे? भाई चरण, जिला प्रशासन की भीड़ की हड्डी कही जाने वाले पटवारी दिन रात काम करते हैं, उसके बाद भी उन्हें 1998 में निर्धारित किया गया वेतन मान मिल रहा। इतने 25 वर्षों से उनके वेतन मान में कोई भी वृद्धि नहीं मिली। वेतन मान में वृद्धि की मांग को लेकर मध्य प्रदेश के पटवारी हड़ताल कर रहे हैं। राहुल भाई, पटवारी क्या काम करते हैं? नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, इन कामों में सहयोग के अलावा अन्य कोई काम भी करते हैं क्या? भाई शैलेंद्र, आपने जो काम बताए वो केवल राजस्व विभाग के कुछ काम है, इनके अलावा भी अन्य विभागों के कई ऐसे काम हैं जिनमें प्रशासन का पटवारी सहयोग करते हैं और इसके लिए उनको कोई अतिरिक्त मानदेय भी नहीं मिलता। अच्छा, पटवारी अन्य विभागों के भी काम करते हैं, जैसे क्या क्या काम करते हैं? भाई शैलेंद्र, पटवारियों द्वारा किए जाने वाले अन्य विभागों के कामों को हम पटवारी भाइयों से जानते हैं, चलिए उनकी तरफ रुख करते हैं। जब राशन वितरण किया जाना हो तो राशन केंद्रों की दुकानों पर भी पटवारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। खाद बीज वितरण केंद्रों पर भी पटवारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। कृषि मंडी में फसल तुलाई के दौरान भी पटवारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। अवैध रेत उत्खनन की चोरी पकड़ना हो तो उसमें भी पटवारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। वीआईपी प्रोटोकॉल में स्वागत सत्कार के प्रबंधन के लिए भी पटवारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। मध्य प्रदेश में होने वाले सभी तीज त्योहारों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी पटवारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। 10वीं-12वीं की परीक्षाओं के अगर पेपर भी चोरी रोकने हो तो उसमें भी पटवारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। पर सूखा, किसी भी प्रकार का प्राकृतिक प्रकोप हो, उसमें आम जनता को राहत राशि पहुंचाने के लिए, उन राहत कार्यों में सर्वे के लिए भी हम पटवारियों की ही ड्यूटी लगाई जाती है। भाई शैलेंद्र, पटवारी भाइयों ने अन्य विभागों के किए जाने वाले कुछ कामों को बताया, इसके अलावा भी कई ऐसे सारे काम हैं जिनका संबंध राजस्व विभाग से नहीं है, लेकिन फिर भी जिला प्रशासन के द्वारा पटवारियों की ड्यूटी उन कामों में लगाई जाती है, वो पटवारी भाई उन कामों को पूर्ण निष्ठा से करते भी हैं। राहुल भाई यार, ये तो हमें पता ही नहीं था कि पटवारी अन्य विभागों क्या क्या काम करते हैं। भाई शैलेंद्र, पटवारी भाई अन्य विभागों के कई काम करते हैं, पर इनके लिए उन्हें वेतन भी तो मिलता है। भाई शैलेंद्र, यही एक विडंबना है कि मध्य प्रदेश के पटवारियों को उनके काम के अनुरूप वेतन नहीं मिल पा रहा है। सरकार द्वारा बार बार आश्वासन दिए जाने के बाद भी आज भी मध्य प्रदेश में पटवारी 2100 के न्यूनतम वेतन मान पर काम कर रहा है, जिसे 2800 किया जाना था। वेतन विसंगति की इसी मांग को लेकर पटवारी हड़ताल के लिए मजबूर हुए। तो भाई, ये वेतन विसंगति क्या है? क्या पटवारियों को कम वेतन मिल रहा है? मैं कुछ समझा नहीं तुम्हारी बात। भाई शैलेंद, वेतन विसंगति को हमारे पटवारी भाई ज़्यादा अच्छी तरीके से समझा सकते हैं, तो चलिए एक बार फिर से उनकी तरफ रुख करते हैं। जब पटवारियों की शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास थी तब भी उनका ग्रेड पे 2100 रुपए था। जब पटवारियों की शैक्षणिक योग्यता को बढ़ाकर स्नातक किया गया तब भी उनका ग्रेड पे 2100 ही रखा गया। जब पटवारियों के लिए कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान अनिवार्य किया गया तब भी उनका वेतन 2100 रुपए रखा गया। जब पटवारियों के लिए CPCT परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया तब भी पटवारियों का ग्रेड पे 2100 रुपए था।
टांसन जैसा कठिन काम जब ईटीएस मशीन द्वारा कराया जाने लगा उसके बाद भी ग्रेड पे 2100 ही रखा गया। वर्तमान समय में जब सीमांकन का कार्य सैटेलाइट आधारित ओवर मशीन से किया जाने लगा तब भी पटवारियों आवाज भत्ते के लिए मात्र 258 रुपए मिलते हैं। क्या आपको लगता है कि 258 रुपए में इस महंगाई में रहा जा सकता है? संपूर्ण मध्य प्रदेश में हम पटवारियों को मासिक यात्रा भत्ता सिर्फ 300 रुपए महीना दिया जाता है। इस 300 रुपए महीने में आज कोई अपने बच्चों को किसी कोचिंग किसी ट्यूशन भी महीने भर नहीं भेज सकता। जबकि एक पटवारी को अपने पटवारी मुख्यालय से लेकर के तहसील मुख्यालय से लेकर एसडीएम मुख्यालय, एसडीएम मुख्यालय से लेकर जिला मुख्यालय, जिनकी संपूर्ण मध्य प्रदेश में औसतन दूरी 70 से लेकर 100 किलोमीटर तक की दूरी है, इस पूरी दूरी को सिर्फ 300 रुपए में पूरे महीने में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है, क्या यह संभव है? जरा आप सोचिएगा। अच्छा, अब समझ आया। मध्य प्रदेश की सरकार है पटवारियों से तकनीकी गैर तकनीकी हर प्रकार का काम तो करवा रही है, काम के अनुसार उन्हें वेतन नहीं दे रही है। इसीलिए हमारे पटवारी साथियों को मजबूर होकर अपने अधिकारों के लिए अपने हितों के लिए हड़ताल पर जाना पड़ा। हाँ भाई सरेन, इसलिए हमारे पटवारी साथी हड़ताल के लिए मजबूर हुए। राहुल भाई, लेकिन एक बात बताओ, क्या अन्य राज्यों में भी पटवारियों का इतना ही कम वेतन है? भाई सरेन, अन्य राज्यों में पटवारियों की वेतन की स्थिति को एवं मध्य प्रदेश में राजस्व पद अन्य राजस्व पदों जैसे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, इनके पदों की स्थिति को जानने के लिए एक बार फिर से हम पटवारी भाइयों की तरफ रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में भी पटवारियों का ग्रेड पे 3200 रुपए है, जबकि मध्य प्रदेश में पटवारियों का ग्रेड पे मात्र 2100 रुपए। पंजाब राज्य में पटवारी का वेतनमान